इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश जैन MTLPS बौसाड, श्री लवलेश जैन, श्रीमती प्रीति जैन दिल्ली, श्री सुशील जैन एवं श्रीमती नीलिमा जैन फरीदाबाद, श्री दिगंबर जैन मंदिर सराय मोहल्ला रोहतक एवं 529वां प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 529वीं समिति के संचालक श्री अतुल जैन, मालाबार वाले अजय जैन, प्रदीप जैन, शैलेश जैन, राकेश जैन अटघरा एवं राजेश जैन DLF चक्रेश जैन। जय जनेत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हरियाणा प्रांत के रोहतक नगर में सराय मोहल्ला स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी जी का 529वां प्रतिष्ठा महोत्सव रथ यात्रा एवं समवचरण विधान का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 6 से 11 मई 2023 तक चले इस धार्मिक महानुष्ठान को हम 5 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और आज की प्रथम कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कार्यक्रम के प्रथम दिन अर्थात 6 मई 2023 की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हरियाणा प्रांत के रोहतक नगर की धर्मधरा सराय मोहल्ला स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी जी का 529वां प्रतिष्ठा महोत्सव रथ यात्रा एवं समवचरण विधान का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 6 से 11 मई 2023 तक चले इस धार्मिक महानुष्ठान के प्रथम दिन अर्थात 6 मई की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ भव्य घट यात्रा के साथ हुआ। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस भव्य यात्रा में श्राविकाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने प्रभु का दर्शन वंदन कर मंगल आरती उतारी। घट यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर पुण्यशाली भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया और फिर विधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में दिशा शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। इसी बीच समाज की ओर से आयोजन समिति के संरक्षक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री राजेश जी जैन परिवार सहित अन्य गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान किया गया। पश्चिम दिशातः समागतान विघ्नान निवारे निवारे एतान सर्वान रक्ष रक्ष रूमफट स्वाहा। कहता है स्वागतम हो खिली खिली कलियां मिली मिली खुशियां क्या मौसम है यहाँ मुझे आज खुशी मिली इतनी पावन घड़ी मिली मैं कहता हूँ यहाँ अलबेला मौसम कहता है स्वागतम।
स्वागत सम्मान के मध्य में समाज में दानवीर भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध श्री राजेश जी जैन एवं श्री विजय जी जैन ने परिवार सहित विधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराई। ध्वजारोहण के पश्चात पंचकल्याणक में इंद्र बनने वाले पात्रों ने इस मांगलिक अनुष्ठान में सहयोग प्रदान करने वाले गणमान्य महानुभावों का भी स्वागत अभिनंदन किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पांडुक शिला पर विराजमान जिनेन्द्र भगवान का बीजाक्षर मंत्रों के साथ जलाभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जला की। एक बार पे देखो तिरुवन स्वामी, तिरुवन स्वामी जी जग में नामी, तिरुवन स्वामी जी जग में नामी, उठी जी शहनामी, पे देखो तिरुवन स्वामी। जलाभिषेक के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने विधानाचार्य श्री नितिन भैया जी द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाई। श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम बम झम झम झुम झुम छुम छुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राप द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अस्माकम मम पाप खंडे खंडे जही जही दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरहन झम झुम छुम हम सम झम बम हुआ पाहा छाम छीम छूम छीम छैम छोम छोम छम छा झुम ह्राम रिम रुम रिम रुम रुम रा। शांतिधारा के उपरांत पुण्य प्रतापी श्राविकाओं ने जहां घट के जल से मंडप एवं वेदी का शुद्धिकरण किया तो वहीं पंचकल्याणक के पात्र बने इंद्र एवं इंद्राणियों ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। ओम नियम कलशन वेदी का शुद्धि मंडप शुद्धि स्थल शुद्धि करोमि इति ओम रुम नमो आय रुम मध्याभ्याम नमः। मंगल की ये बेला आई सारी निधियां सिमट के आई, मंगल की ये बेला आई सारी निधियां सिमट के आई। अगले क्रम में भक्ति संगीत की सुरमई वातावरण में इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। गले घुंघट लगाओ मेरी बहना, आओ रे आओ मिल आओ मेरी बहना, आओ रे आओ मिल आओ मेरी बहना, अतिशय गुण कमाओ मेरी बहना। इंद्र प्रतिष्ठा के उपरांत कार्यक्रम में अब था समय विधान पूजन का। पात्र बने सौधर्म इंद्र सहित सभी इंद्र एवं इंद्राणियों ने नित्य महापूजन के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित करते हुए पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं प्रारंभ की। पुष्पांजलि क्षिपामि अमृत भगवत गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के भ्यो नमः अर्गम निर्वपामीति स्वाहा सुध्याय अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। श्री मज्जिनेन्द्र मविबंध जगत त्रियेशम साद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार श्री मूल संग सदृशाम सुकतैक हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विदिदेश मया विधायी। पूजन के मध्य सभी सहभागियों ने भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। भक्ति में झूमेगा तू बन के बाबरा चिल्वर की भक्ति में झूमेगा।
नृत्य संगीत के बाद भक्तों ने जल फलादि के अर्घ्य समर्पित कर परम पूज्य आरिका रत्न 105 पूर्णमती माता जी द्वारा रचित श्री समवशरण विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। विधान पूजन के बाद संध्या काल में आये अवसर मंगल आरती का, पुण्यशाली भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु जी की संगीतमय भव्य मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रभु जी की मंगल आरती के बाद भक्तों ने शास्त्र वाचन के अंतर्गत विधानाचार्य श्री धीरज भैया जी ने भक्तों को समवशरण की विस्तृत व्याख्या बतलाई। कितने लोग घूमने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाता है, कोई मौज मस्ती करने जाता है, कोई शिक्षा लेने जाता है, कोई बिजनेस करने जाता है, बोलो ना। ऐसे ही भगवान का समोषण भी एक मेला है। अब आपका भाव क्या है ये आप पे डिपेंड करता है। आप किस भाव से समोषण में आए हैं ये आपके ऊपर है। आप क्या लेने आए हैं ये आपके ऊपर है। यदि रंग रौनक का देखना है, यदि विभूति को अकेला देखना है तो इन सात भूमि में लगे रहना, और विभूति के ऊपर यदि आत्मा को विभूषित करना है तो आठवीं भूमि में मात्र सम्यक दृष्टि जीव जाता है और कोई नहीं जाता। शास्त्र वाचन के उपरांत भगवान के गर्भ कल्याणक प्रसंग का शुभारंभ अष्ट कुमारियों द्वारा मंगलाचरण के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए सुंदर भक्ति नृत्य से हुआ। नमो वजायाणम अयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहूणम सगा पानी सामारे। मंगलाचरण के बाद स्वर्ग में जब इंद्रजन तत्व चर्चा कर रहे थे तभी सौधर्म इंद्र अपनी शची के साथ दरबार में पधारे, सिंहासन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र की आज्ञा अनुसार सभी सभासदों के सम्मान में कलाकार द्वारा सुंदर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तीर्थंकर जो ही अपनी माता श्री के गर्भ में आते हैं, माता रानी को निंद्रा में 16 सपने दिख जाते हैं।
भक्ति नृत्य का आनंद लेने के बाद जब सौधर्म इंद्र अपने सभासदों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे, तभी अचानक से उनका सिंहासन कंपायमान हो उठा। शचीन्द्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र इस अद्भुत घटना का कारण जानने के लिए अवधि ज्ञान लगाते हैं। हे स्वामी, आपका सिंहासन कंपायमान क्यों हुआ है? आखिर इस संसार में कौन है जो ऐसा दुस्साहस कर सकता है? स्वामी, आप तो अवधि ज्ञान के धारी हो, इतने फुलक्कड़ हो तुम, अपने अवधि ज्ञान से पता कीजिए कि ये सिंहासन किसने कंपायमान किया है। मैं अपने अवधि ज्ञान से अभी ज्ञात करता हूँ। अवधि ज्ञान के माध्यम से घटना का कारण जानने पर सौधर्म इंद्र ने 7 कदम आगे बढ़ तीर्थंकर भगवान को परोक्ष में साष्टांग प्रणाम किया और इंद्राणी के पूछने पर उन्होंने तीर्थंकर प्रभु के गर्भावतरण की बात बतलाई। ये स्वामी उठिए, आपने किसको नमस्कार किया है? हे सची, तुम तो जानती हो मेरा मस्तक उसी शक्ति के सामने झुकता है, उसी आत्मा के सामने झुकता है जिसमें मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता हो। भरत क्षेत्र के आर्यवर्त खंड में हस्तिनापुर नगरी में महाराजा नाभी राय के यहाँ माता मरुदेव के कुक्षी में आज से ठीक 6 माह बाद तीर्थंकर प्रभु का गर्भाकरण होने जा रहा। तीर्थंकर बालक के जन्म की पूर्व सूचना पाकर स्वर्ग के सभी देवगण खुशी से नृत्य करने लगे। इसी बीच सौधर्म इंद्र अपने मित्र धनपति कुबेर को बुलवाकर उन्हें कौशाम्बी नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। महाराजा नाभी राय के यहाँ माता मरु देवी के पवित्र गर्भ में प्रभु का गर्भावर्तन होने वाला है, अतः तुम जल्दी जाकर अयोध्या नगरी की रचना करो। जाइए, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इधर सौधर्म की आज्ञा अनुसार अष्टकुमारियों ने स्वर्ग से आकर माता सुसीमा की सेवा और श्रृंगार किया। तत्पश्चात माता को गहरी निद्रा में लीन हो जाने पर उन्हें 16 स्वप्न दिखाई दिए। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे हरियाणा प्रांत के रोहतक नगर में सराय मोहल्ला स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी जी के 529वें प्रतिष्ठा महोत्सव रथ यात्रा एवं समवशरण विधान के अंतर्गत प्रथम दिन की मांगलिक गतिविधियों के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 6 से 11 मई 2023 तक चले इस धार्मिक महानुष्ठान में भक्तों को 40 वर्ष पूर्व हुए भव्य पंच कल्याणक की पुनरावृत्ति में सहभागी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।
इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक थे श्री राजेश जैन MTLPS बौसाड, श्री लवलेश जैन, श्रीमती प्रीति जैन दिल्ली, श्री सुशील जैन एवं श्रीमती नीलिमा जैन फरीदाबाद, श्री दिगंबर जैन मंदिर सराय मोहल्ला रोहतक एवं 529वां प्रतिष्ठा महोत्सव समेत 529वीं समिति के संचालक श्री अतुल जैन, मालाबार वाले अजय जैन, प्रदीप जैन, शैलेश जैन, राकेश जैन अटघरा एवं राजेश जैन DLF चक्रेश जैन।